कि मसा सिटी में आ जाना, वरना फिर बराड़ा बस स्टैंड के सामने है, बिल्कुल यहाँ के वर्कआउट कर लो अपना। ठीक है जी। तो हमारी जो फोर्थ एक्सरसाइज है शोल्डर की, वो थी, अरे यार देख मैं फिर भूल गया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अदर व्लॉग। होप करता हूं सब हेल्थ में गुड होंगे, फिट होंगे, हैप्पी होंगे। तो भाई जो मैं बहुत टाइम से कहता ना वर्कआउट शेड्यूल्स लेके आऊंगा, तो भाई उसका मुहूर्त आज आ गया है। आज मैं आपको वर्कआउट दिखाऊंगा चेस्ट शोल्डर और ट्राइसेप का, ठीक है, बताऊंगा मतलब। और ये वर्कआउट ना आपने मंडे को और थर्सडे को करना है, मतलब जो आप मंडे को आज वर्कआउट करोगे ना वही आपने थर्सडे को भी वर्कआउट करना है, ठीक है। और ये वर्कआउट लेडीज भी कर सकती हैं, ये वर्कआउट जो लड़के हैं वो भी कर सकते हैं, जो बिगनर्स हैं वो भी कर सकते हैं, और जो बिगनर्स से थोड़े अपर लेवल के हैं वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे मत सोचना कि भाई ये सिर्फ बिगनर्स के लिए वर्कआउट आ रहा है, नहीं। और ये वर्कआउट, हाँ, और ये वर्कआउट जो गेनिंग कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं, और जो लूजिंग कर रहे हैं, वेट लूज कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं। इनमें क्या चक्कर होता है मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, ठीक है। और लास्ट में ना मैं पूरे वर्कआउट का पेज ऐड कर दूंगा, ताकि आप लोगों को इजी हो जाए, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो फोन में, और जब आप वर्कआउट स्टार्ट करोगे ये वाला तो आप आराम से वर्कआउट कर सकते हो, ठीक है भाई। तो अब मैं आपको आज बता रहा हूँ चेस्ट शोल्डर और ट्राइसेप का वर्कआउट, मंडे को करना है और थर्सडे को भी करना है, यही सेम वर्कआउट। तो चले वर्कआउट करने, और चलो घड़ी घड़ी निकाल देते हैं, थोड़ा कंफर्टेबल रहते हैं। मैंने कई यूट्यूबर देखे हैं जो घड़ी पहन के वर्कआउट करते हैं, कैसे कर लेते हैं भाई, मैं तो उठती नहीं भैया, ठीक है जी। तो मैं भी वही वर्कआउट परफॉर्म करता हूँ आपके लिए, ठीक है। और चलो फिर तो गाइस अब हम वर्कआउट स्टार्ट कर रहे हैं, और मैं ना मतलब वीडियो इतनी लंबी नहीं बनाऊंगा, ये कोई मैं आपको अपना पूरा वर्कआउट नहीं दिखाने वाला, बस मैं एक एक सेट ना परफॉर्म करके आपको दिखा रहा हूँ, ताकि आपको समझ आ जाए जो बिगनर्स हैं उनके लिए। बाकी तो सबको पता ही होता है एक्सरसाइज कौन सी है, यूट्यूब पर सब कुछ है यार, मतलब ठीक है। और ना मैं वीडियो ज़्यादा लंबी बनाऊंगा ये। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं वार्म अप से, जैसे हम थोड़ा स्ट्रेचिंग वगैरह करते हैं वो सब कर लेना पड़ेगा। दूसरा हम पहले वार्म अप लेंगे पुशअप का। बॉडी वेट एक्सरसाइज ना बहुत ज़्यादा जरूरी होती हैं वर्कआउट, जो हम किसी का भी लगाएं, जैसे बैक के लिए चिन अप वगैरह, और शोल्डर्स के लिए, चेस्ट के लिए पुशअप वगैरह। तो ये ना बॉडी वेट एक्सरसाइज किया करो, क्या। तो हम पुशअप से स्टार्ट करते हैं जल्दी। तो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है बेंच प्रेस चेस्ट की, ठीक है। इसके आप 4 सेट्स लगाना, और रेपिटेशन में आपको लास्ट में समझाऊंगा, मतलब मैं तो अभी रेपिटेशन लगाऊंगा 12 to 15, ठीक है। आप 3 सेट्स भी लगा सकते हो जिसमें लगाने हैं, वरना जिसने 4 लगाने हैं वो 4 भी लगा सकता है, सेट्स का कोई चक्कर नहीं। वो अपने कैलोरी बर्न के ऊपर है कि हम वर्कआउट कितना अच्छा करना चाह रहे हैं। 3 सेट्स भी आप लगा सकते हो, 4 सेट्स भी आप लगा सकते हो। मैं अभी रैप लगा रहा हूँ 12 से 15 चेस्ट प्रेस, उसके फ्लैट बेंच प्रेस के। तो सेकंड एक्सरसाइज है हमारी इंक्लाइन डंबल प्रेस, ठीक है। फर्स्ट बेंच प्रेस हो गई थी, सेकंड है इंक्लाइन डंबल प्रेस। तो थर्ड एक्सरसाइज है हमारी केबल फ्लाई, हाई टू लो, ठीक है। इसमें ना आप सेंटर देख ले करो पहले, अगर वहां पे आपके पास फंक्शन ट्रेनर छोटा है तो उसका भी सेंटर देख ले करो, अगर बड़ा है इतना ही जितना मेरे जिम में है तो उसमें ऐसा सेंटर देख ले करो कि सेंटर कहाँ बैठोगे, क्योंकि कोई यहाँ खड़ा जाता है कोई यहाँ खड़ा जाता है। पहले सेंटर मेजरमेंट किया करो उसका, फिर लगाओ उसे। तो चेस्ट की हमने 3 एक्सरसाइज कर ली है, फ्लैट बेंच प्रेस, इंक्लाइन डंबल प्रेस और केबल फ्लाई हाई टू लो, ठीक है। ये 3 एक्सरसाइज कर रहे हैं चेस्ट की। अब हम करते हैं शोल्डर की, आओ शोल्डर एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, शोल्डर डंबल प्रेस, ठीक है। तो शोल्डर की हमने की डंबल प्रेस, अब हम करेंगे शोल्डर मशीन प्रेस, ठीक है। और ना मैं कोई आपको ना ईगो लिफ्टिंग नहीं दिखा रहा, ये जो मैं वर्कआउट परफॉर्म कर रहा हूँ सिर्फ मैं आपके लिए कर रहा हूँ, ठीक है।
तो हमने सेकंड वर्कआउट किया शोल्डर का, शोल्डर मशीन प्रेस। और भाई जिसकी जिम्मे नहीं है वो रोड से कर लेना मिलिट्री प्रेस, जो रोड करते हैं शोल्डर की मिलिट्री प्रेस से कर लेना, और बाकी मसल सिटी में आ जाना, वरना फिर बराड़ा बस स्टैंड के सामने है बिल्कुल, यहाँ के वर्कआउट कर लो अपना, ठीक है जी। तो हमारे शोल्डर दो हो गई हैं, हम करते हैं थर्ड एक्सरसाइज शोल्डर की। तो थर्ड एक्सरसाइज हमारी लेटरल लेसेस शोल्डर की, ठीक है। मैं आप डंबल से कर सकते हो, पर मैं डंबल से नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे इस पर मूवमेंट ना परफेक्ट आती है मेरी, मेरी कमर ज़्यादा झुकती नहीं और मेरे आर्म्स पूरे परफेक्ट खुलते हैं इससे। तो ये किया हमने साइड लेटर, ठीक है। आप डंबल से भी कर लेना, और अगर किसी ने मशीन से कर लेना, उसकी जिम में मशीन नहीं है तो भाई मसल सिटी जिम में आ जाना, बराड़ा बस स्टैंड के सामने है, ठीक है। शोल्डर की हमारी फोर्थ एक्सरसाइज है, क्या नाम एक्सरसाइज का यार, मैं एक्सरसाइज का नाम भूल गया यार, वीडियो में कन्फ्यूजन आती है ना, तो इसलिए एक्सरसाइज का नाम भूल गया था। मैं देखूंगा नहीं, पर मैं याद करूंगा एक्सरसाइज का नाम क्या है, ये ध्यान ही नहीं आ रहा यार, मुझे देखना पड़ेगा, हमारा कोई वीडियो रोक देगा। तो हमारी जो फोर्थ एक्सरसाइज है शोल्डर की वो थी, अरे यार देख मैं फिर भूल गया यार मैं, और मैंने अभी चेक किया कि मैं कौन सा एक्सरसाइज देख क्या, हाँ वाइड ग्रिप अपराइट, हम शोल्डर करके अपराइट। भाई ऐसे मत समझना मुझे एक्सरसाइज का नाम पता, हमने बड़े बड़े शेड्यूल्स लिखे हुए हैं, बस यार वो थोड़ा मिसप्लेस हो जाता है दिमाग से ना बात। तो भाई अपराइट करेंगे, आप सारी बात छोड़ो वो, और हम शोल्डर करेंगे अपराइट, वाइड ग्रिप, वाइड ग्रिप पकड़ने हमने बिल्कुल बाहर से, और ये करेंगे अपराइट। स्लो रखना ऐसे थोड़ा, और ऊपर तो लेके आना, ये ना जो भी मैंने मतलब क्या वीडियो में चल रही थी, पर मैं कट नहीं करने का, जो भी पीछे मैं एक्सरसाइज का नाम भूल गया था वो भूल, मतलब दिमाग से स्किप हो जाता है यार, क्या हो गया इस समय, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर मैं इसे कट भी नहीं करने, मैं वो रियलिटी दिखाऊंगा। ऐसे कुछ नहीं होता कि भाई दिमाग इतना अपना वीडियो बना रहा हूँ और दबा दबा आपको एक्सरसाइज दिखा रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत ना वो रहता है दिमाग में यार कौन सा, क्योंकि एक्सरसाइजेज बहुत सारी होती हैं हर एक मसल की, ठीक है। ये एक्सरसाइजेज मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, कि आपका जो आप वर्कआउट कर रहे हो ना, आपके मसल को पता लगेगा कि आप वर्कआउट कर रहे हो और आपके बॉडी में इम्प्रूवमेंट आएगी आएगी, अगर आप ये वर्कआउट एक महीना फॉलो करोगे प्रॉपर, मंडे और थर्सडे को आपने ये वाला वर्कआउट करना है, ठीक है। अब हमारी शोल्डर की हो गई हैं चार एक्सरसाइज, कौन कौन सी, डंबल प्रेस, शोल्डर मशीन प्रेस, साइड लेटरल और अपराइट, ठीक है, चार हो गई हैं। अब हम करते हैं ट्राइसेप की, आओ। तो ट्राइसेप की पहले एक्सरसाइज है पुली पुश डाउन, ठीक है, ये तो बड़ी नॉर्मल एक्सरसाइज है, सब जानते होंगे इसे, ये करनी है हमने पुली पुश डाउन। ट्राइसेप के हमारे सेकंड एक्सरसाइज है केबल ओवरहेड एक्सटेंशन, ठीक है। ऐसे हमने बैक स्ट्रेट रखनी है और ये आर्म्स ऐसे होनी है, ये जो साउंड आ रही है ना इसमें मत जाना, ये तो आती रहती है हर जिम के अंदर, ठीक है। तो भाई सेकंड एक्सरसाइज हो गई हमारी केबल ओवरहेड एक्सटेंशन, ठीक है। अब थर्ड एक्सरसाइज बता रहा हूँ आपको ट्राइसेप की, मैं आओ। तो ट्राइसेप की हमारी थर्ड एक्सरसाइज है क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पे हम खत्म करेंगे, बेंच प्रेस चेस्ट से हमने स्टार्ट किया था और ट्राइसेप के हम इस पर क्लोज ग्रिप लगाएंगे अब, और ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज है आज की, ओके। तो भाई हमारी ट्राइसेप की एक्सरसाइजेस भी थ्री कंप्लीट होगी, तीन चेस्ट की, हमने चार शोल्डर की हैं, तीन ट्राइसेप की हैं, कितनी हो गई हैं 10 एक्सरसाइज हो गई हैं टोटल। आपने थ्री सेट लगाने थ्री सेट लगा लेना, फोर सेट लगाने हैं फोर सेट लगा लेना। अब रेपिटेशन की सुन लो, जो लोग गेनिंग कर रहे हैं वो लोग मैक्सिमम मेरे हिसाब से 8 रैप तक जाना और हैवी वेट, जो थोड़ा गेनिंग मोड में है,
जो थोड़ा लूजिंग मोड में है वो अपना वेट के अंदर बेस्ट देना, पर रेपिटेशन रखना 15 रेपिटेशन आप रखना है, अगर थोड़ा जो लूज पे जा रहे हैं, और जो लेडीज हैं वो 15 रखना, क्योंकि लेडीज मोस्टली लूज पे रहती हैं, तो आपने 15 रैप लगाने हैं, ठीक है। और वेट ये नहीं कि भाई वेट बिल्कुल लाइट लाइट, नहीं भाई, वेट जितना लगा सकते हो उतना लगाया करो, लेडीज भी। ये नहीं कि आप लेडीज हो तो आप सिर्फ 2.5 की प्लेट ही लगाओगे या 5-5 की, कोई 10 किलो की प्लेट उठाते हो लगाया करो उसे यार, ठीक है। और तो मैंने बता दिया गेनिंग और लूजिंग का क्या सिस्टम होता है, मेन फोकस ना डाइट पर रखा करो गेनिंग और लूजिंग के अंदर, कि हमने डाइट कैसे ले रहे हैं। गेनिंग में हम अपने जो हमारी कैलरीज इनटेक होती हैं पर डे की, उससे हम 500 कैलरी सरप्लस जाते हैं, वो मैं कभी आपको थोड़ी थोड़ी आगे समझाऊंगा क्या कहानी होती है वो। लूजिंग में हम उतनी कैलरी रखते हैं, जैसे अब मान लो मैंने कैलरी 2000 कैलरी लेनी मैंने दिन की, तो अगर मैं थोड़ा गेनिंग मोड में जाऊंगा तो मैं स्टार्टिंग करूंगा 2500 कैलरी से। अगर मैं 2000 लेनी है ना अपने बॉडी के हिसाब से, तो मैं गेनिंग मोड में 2500 कैलरी लूंगा, 500 कैलरी सरप्लस रखते हैं हम स्टार्टिंग में, उसके आगे बढ़ाते हैं पर स्टार्टिंग में, ताकि मैं लीवर लोअर पे ज़्यादा इफेक्ट ना आए, और लूजिंग में हम उतने रखते हैं। तो गेनिंग और लूजिंग का ज़्यादातर गेम ना डाइट से होती है। वर्कआउट आप लगा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है गेनिंग वाला वर्कआउट है लूजिंग वाला वर्कआउट है, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ ये चीज़। बाकी यार ये होता है देखो, जितनी मुँह उतनी बातें होती हैं हर फील्ड के अंदर, मैं आपको अपना बता रहा हूँ, सब ये वर्कआउट कर सकते हैं। और आज मैंने आपको वर्कआउट बताया चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप का, ये आपने मंडे और थर्सडे करना है। अगर मंडे आपने चेस्ट नहीं करनी, तो अगर आप ट्यूसडे कर रहे हो तो ट्यूसडे और फ्राइडे करना है, वेनेसडे कर रहे हो तो वेनेसडे और सैटरडे करना है, समझ गए स्कीम क्या कह रहा हूँ। मतलब वीक में आप ये सेम वर्कआउट 2 बार करोगे, और 1 मंथ तक आपने कंटिन्यू इसी तरीके से वर्कआउट करना है, तभी हमारे मसल को पता लगता है कि अच्छा आज हमने ये हिट करना है, और तभी हमारा मसल सोच लेता है कि भाई आज ये पिछली बार भी हिट किया था। वर्कआउट चेंज मत किया करो। तो ये मैंने आपको दिखा दिया भाई, अपना मंडे और थर्सडे को आपने वर्कआउट करना है, ठीक है। और अगर आप किसी और अच्छे इंप्रूवमेंट वे में वीडियो देख चाहते हो तो मुझे बता देना, मैं उस पहली बार मैंने वर्कआउट की वीडियो बनाई अपने चैनल पे, अगर आप किसी और वे में देखना तो वो बता देना। कई लोग कह रहे थे भैया आप अपना वर्कआउट करते करते बताना, मेरी बात होती है इनसे, तो भाई अभी मैं नहीं उस फील्ड में मतलब उस तरीके से बताना चाहता अभी, अभी सिर्फ आपको जस्ट नॉलेज देनी थी, तो उसके लिए आए। बस यार मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, शायद थोड़ा वीडियो लंबी हो जाए, और मैं मतलब वीडियो लंबी हो जाए बस ये, ठीक है। तो भाई ये फर्स्ट वर्कआउट है, आगे आगे ऐसे 2 और आएंगे, Part 2 और Part 3, वो मैं बस साथ साथ अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अब मैं कर रहा हूँ जो ब्लॉग की एंडिंग, बाय बाय टाटा सी यू, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, जल्दी मिलते हैं।